Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 30 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 19 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 142 पर, कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब केसेस 1886 केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से बेंगलुरु अर्बन में 1342 केसेस हैं। स्टेट से न्यूज ला रहे हैं, जहां पर कर्नाटका की हम बात करें तो मुस्लिम कमेटी ने अनाउंस किया कंपनसेशन मसूद और फाजिल, जो हाल ही में जिनकी डेथ हुई है इंसिडेंट्स को चलते हुए, उनके फैमिली मेंबर्स को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हां, यंग मैन जो हाल ही में दो अलग अलग इंसिडेंट से मर्डर हुआ है दक्षिणा कन्नड़ा के अंदर। हैरत की बात यह भी है कि कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, जो कि हाल ही में बीजेपी युवा मोर्चा वर्कर प्रवीण नितारू का भी मर्डर हुआ था, जो कि बड़ा अफसोस भरा मामला है, उसमें कंपनसेशन उन्होंने अनाउंस किया 25 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने फाजिल और मसूद की फैमिली को विजिट नहीं किया। इस पर भी काफी सारे लोग उनसे नाराज हैं। 19 ईयर ओल्ड जो मसूद हैं, उनको अटैक किया गया था, कुछ लोगों ने सोडा बॉटल्स उनके सर पर मारा था, जिसमें 8 लोग अरेस्ट किए गए, 6 लोग उसमें से हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन बजरंग दल के बताए जा रहे हैं। उसके बाद मसूद 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये तीनों घटनाएं बिल्कुल ही कंडम के काबिल हैं। प्रवीण की जान लेना भी गलत है, फाजिल की जान भी लेना गलत है और मसूद की जान भी लेना गलत है, क्योंकि हम दो सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है और कम्युनलिज्म को ये बिल्कुल ख़त्म करना, क्योंकि ये जो मारा चल रहा है एक एंगल कम्युनलिज्म की तरफ जा रहा है। सीधे उसके बाद बात करते हैं 471 कुंटल चावल की जो PHD की जो राइस जो होता है, जो राशन बांटने के लिए किया जाता है, वो लॉरी को गया सीज पुलिस टीम और फूड डिपार्टमेंट और केस रजिस्टर हो गया जुगर की पुलिस में, जहाँ ये इलीगली सप्लाई किया जा रहा था इंजरी विलेज गुजरात को। अक्सर हम देखते हैं राशन का चावल यहाँ आता तो सही है, लेकिन लोगों तक पहुँचता नहीं है और लोगों को बड़ी अच्छी आदत हो चुकी है, लोग भी जो है इस चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं और इस तरह की कई सारे गाड़ियाँ जो है यहाँ से निकल कर बाहर चली जाती हैं। SDPI का पीपुल्स पावर कॉन्फ्रेंस बौसम के लिए नेशनल ग्राउंड में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसकी वेन्यू चेंज कर अब विंटेज फंक्शन हॉल रिंग रोड पर रखी गई है। SDPI की टीम आप सबसे गुजारिश कर रही है कि ग्रैंड पीपुल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें और वेन्यू जो विंटेज पैलेस है वहां पर इस प्रोग्राम को आकर सक्सेसफुल बनाएं। खासकर बहुत सारे औरतें आने वाले हैं प्रोग्राम में गुलबर्गा के, तो सिर्फ उन्हीं को सामने रखकर हम लोगों ने फैसला लिया है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो नेशनल कॉलेज ग्राउंड के बदले में विंटेज पैलेस फंक्शन हॉल को हम लोगों ने वेन्यू को चेंज किया है। डेट वही है 31 जुलाई और टाइम 2:30 PM वही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। JDS का पब्लिक प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। गुलबर्गा साउथ के अंदर ये प्रोग्राम तारीखी प्रोग्राम रखा गया था JDS की तरफ से, जो कई दिनों के बाद इस तरह की JDS की प्रोग्राम नज़र आ रही है। साउथ के अंदर ये सारा मामला रहा अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ कृष्णा रेड्डी जी, उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर वक्त देने के लिए HD कुमार स्वामी जी यहाँ पर मौजूद रहे। ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರನ್ನ BJP ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆಂದೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಖ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು. हमारे इसी से कई सारे इंटरनेशनल व्यूवर्स भी गुजारिश कर रहे थे कि शिहाब चतुर के बारे में कुछ बताएं कि वो उनकी वॉक किस तरह से, तो हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आई बटन को अगर ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक है, उसके अंदर आप जाकर ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। हमने छोटी सी इसकी टीजर हमने बनाई है जो आप देखें। शिहाब चतुर जो केरला से अपनी जर्नी शुरू किए हैं और ये टोटल उनका 61st डे के करीब हो रहा है और वो अब आहिस्ता से गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से पाकिस्तान में एंटर करने वाले हैं। ये शुरुआत उन्होंने सिंगल की, अब कारवां बड़ा उनके साथ जो है जुड़ते जा रहा, रास्ते में अलग अलग जगहों पर उनसे मिलते जा रहा है और उनके लिए दुआ में याद रखने के लिए उनसे कहा भी जा रहा है। और शिहाब चतुर काफी हिम्मत वाले हैं, 5 वीजाज उन्हें ऑलरेडी ले चुके हैं, वो सभी कंट्रीज के थ्रू जाने वाले हैं। ये स्टार्ट होगा इंडिया से लेकर पाकिस्तान, उसके बाद ईरान, इराक, कुवैत, उसके बाद सऊदी अरेबिया जाएंगे और 2023 के अंदर वो हज करने का उन्होंने इरादा किया है और हज की तैयारी वो सऊदी अरब पहुंचने के बाद वहां पर उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे।
गुलबर्गा शहर के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि टीम गुलबर्गा मिस्टेक्स जो कि केपीएल का नया फॉर्मेट जो आ चुका है महाराजा ट्रॉफी, अब उसके अंदर गुलबर्गा टीम के अंदर मनीष पांडे इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर और देवदत्त पड्डीकल जो कि बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स में खेलते हैं, दोनों प्लेयर यहां पर रहेंगे और टीम की लाइनअप भी काफी स्ट्रांग बन चुकी है। आज ही प्लेयर का ड्राफ्ट हुआ और सभी टीमों के अंदर बैलेंस प्लेयर्स मिले हैं और गुलबर्गा टीम काफी स्ट्रांग लग रही है। गुलबर्गा टीम को ओन कर रहे हैं मेगा स्प्रिट ब्रॉडबैंड जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब। आखिर में हम बात करते हैं मसाज मास्टर की। मसाज मास्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन जो कि सर्टिफाइड मसाजर हैं, अगर आप ऑफिस में थक चुके हैं या फिर काम कर थक चुके हैं, अगर आपकी बॉडी पेन करी है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर पेन है, तो मसाज मास्टर से मसाज लेने से आपको बिल्कुल राहत मिल सकती है। और मोहम्मद रियाजुद्दीन काफ़ी स्पेशल है इस आर्ट के अंदर और उन्होंने कई सारे लोगों को मसाज दिया है। हाल ही में साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल ने भी उनसे एक मसाज ली थी और उनका भी इस बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं। टू पुट इट फ्रैंकली, India is normally known as the spiritual capital of the world. I've come all the way from South Africa. I have these massages regularly done, but my experience with Massage Master, simply put, he's very sensual. अगर आपको भी किसी को मसाज की जरूरत है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, तो उस नंबर पे देखो, आप कॉन्टेक्ट करिए। Excellent. Thank you. उसके बाद बारिश के कई सारे वीडियोस हमारी टीम ने कैप्चर की है, खास करके ये ऑर्किड मॉल के बाहर जो पानी तरह जमा हुआ उस वीडियो देखने लायक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई कश्ती में सवार होकर जा रहा है। जरूर इस वीडियो को देखें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ यू हैव द करेज टू परस्यू देम। यानी कि हमारे हर ख्वाब सच हो सकते हैं अगर आपके पास करेज है उसे फॉलो करने का, उसे पूरा करने का करेज अगर आपके पास है तो हर ख्वाब सच हो सकता है। हमेशा हम अपने बुलेटिन में कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपकी सपोर्ट हमें मिलती है, यानी ईयरली हमारी मेंबरशिप है जिसमें आज मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ जिन्होंने हमें ये पेमेंट डाला है ₹500, जो जिनका नाम है सैयद तनवीर हाशमी, जिनकी ईमेल आईडी hashmi@gmail.com। थैंक यू सो मच सैयद तनवीर हाशमी फॉर सपोर्टिंग अस, और हम चाहते हैं कि सभी हमारे बुलेटिन यूजर्स रहने दो या फिर हमारे सब्सक्राइबर्स, आप इस तरह सपोर्ट करते जाएंगे तो हम भी आगे चल के आपको क्वालिटी न्यूज़ देने में हमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। सपोर्ट कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उसे क्लिक करें, रेजर पे का बटन आपको मिलता है, वहां पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं ₹500, ₹1000 या ₹2000 जो आपको चाहिए, तो आपकी तरफ हमारी तरफ से आपको ढेर सारे गुडीज भी मिलते हैं। कमेंट सेक्शन इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड डिग्री कॉलेज। उसके बाद सीधे हम ड्रॉप इन करते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। आज पहला कमेंट आया है आसिम अली खान की तरफ से जिन्होंने लिखा है फर्स्ट व्यू। उसके बाद मोहम्मद यूनुस जावेद नामदार लिखे हैं फर्स्ट लाइक। अशरफ हुसैन ने भी लिखा है फर्स्ट लाइक, अस्सलाम वालेकुम लिखा है। मोहम्मद बेगर ने भी अस्सलाम वालेकुम लिखा है और ट्रेंडिंग स्टेशन लिखा है गल्फ जॉब के बारे में अपडेट दीजिए। मोहम्मद बेगर ने कहा शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा कॉमेडी का, थैंक यू सो मच। उसके बाद से कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मोहम्मद कैफ के भी है नाइस न्यूज़। मोहम्मद कैफ पूछ रहे हैं हम भी बोल सकते हैं क्या थॉट ऑफ द डे, बिल्कुल आप अपना कमेंट में डालें जरूर, अगर थॉट ऑफ द डे पसंद आया तो हम जरूर अपने ब्लू टीम में इंक्लूड करेंगे। मोहम्मद अब्दुल मजीद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, आप न्यूज़ कंटेंट बड़ा कीजिए, गुलबर्गा बहुत बड़ा है। ज़रूर अब्दुल मजीद साहब, जिस तरह की न्यूज़ हमारे पास आती रहेंगी हम उस तरह से न्यूज़ बढ़ाते रहेंगे और ज़रूर हम भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर करेंगे। हलिया मोहसर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वेरी नाइस थॉट सर उन्होंने लिखा है। उमरा फलक ने भी लिखा है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और बहुत सारे लोगों ने सलाम भेजा तो सबको हम सलाम का जवाब देते हैं वालेकुम सलाम। नेशनल लेवल पर आपका कितना परसेंटेज है आपकी न्यूज़ का, मोहम्मद मुजाहिद कह रहे हैं। नेशनल लेवल पर थोड़ा परसेंटेज कम है लेकिन दिल्ली हैदराबाद महाराष्ट्र आसपास की जगहों पर और खासकर बैंगलोर वगैरह में भी बहुत सारे लोग हमारी न्यूज़ देखते हैं। सदाम एमएक्स लिख रहे हैं केजरीवाल के स्कूल कैसा है। सैयद यासिन हुसैन लिख रहे हैं भाई बैंक की थोड़ी न्यूज़ दे दो क्योंकि 3 दिन पहले पैसे भेजने से कट हो रहे हैं पैसे, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद निदा ग्रोसरी ने एक कमेंट नहीं बल्कि मैं समझता हूँ एक उन्होंने बहुत ही अच्छा लेटर लिखा है मुस्लिम चौक रोड डिवाइडिंग इशू पर, उन्होंने लिखा है जहाँ पर मैं आई थिंक बहुत बड़ा है, मैं इसे पढ़ तो नहीं सकता लेकिन स्क्रीन पर इसे बहुत देर तक रखूँगा ताकि आप सब पढ़ सकें। उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो मुस्लिम चौक के जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी जो कम है, होनाबाद बेस के तरफ जो है मास्टर प्लान होना चाहिए, मुस्लिम चौक सर्कल भी बहुत छोटा है, उस दरगाह रोड के जैसा जो है
ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्राइक्स, प्रोसेशन, धरना वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ का एरिया बढ़ाना चाहिए। कई सारे एनजीओस और पार्टीज इस पर काम कर रही हैं और कई सारे लोगों के ऑफिस भी इसी एरिया के अंदर हैं, तो यहाँ पर बहुत ट्रैफिक कंजेशन है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एरियाज जो है बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट है वहाँ से पार करने के लिए, उस पर हम ज़रूर जो जिम्मेदार हैं वहाँ तक बात पहुँचाएंगे। ज़हीर अब्बास कह रहे हैं नॉर्थ एरिया वार्ड नंबर 21 मुस्लिम चौक से लेकर कुरैशी मस्जिद तक रोड काफ़ी ख़राब है पिछले 5 साल से, और मिजगोरी से मरगमा टेम्पल तक भी पूरी रोड ख़राब है, इस तरह की बात चल रही है पिछले 5 साल से। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.